फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई अभिषेक कुमार वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट, दैट इज अ सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर इस सब्जेक्ट पे भी वीडियोस बनाए, सो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जो कि डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है अंडर द BTUP सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, दैट इज द ऑटोमेशन एंड सीएनसी सिस्टम। मैं चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिकली देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपका सिलेबस है उसमें ऑटोमेशन चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है, बट अकॉर्डिंग टू मी ऑटोमेशन पहले पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद फर्दर मूव करना चाहिए इन सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। सो दैट इज वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस सम बेसिक्स ऑफ द ऑटोमेशन इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर आप लोग को ये पसंद आता है और आगे फर्दर मोर वीडियो चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को और आगे वीडियो चाहिए, सो दैट मैं आगे फर्दर मूव करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ चलिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि व्हाट इज ऑटोमेशन, ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन वर्ड से पहले मतलब समझते हैं। तो बेसिकली ऑटोमेशन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक शब्दों से। एक वर्ड है ऑटो, दूसरा वर्ड है मेटस। ऑटो का मतलब होता है स्टूडेंट सेल्फ और मेटस का मतलब होता है स्टूडेंट्स मूविंग। तो बेसिकली ऑटो और मेटस यानी कि सेल्फ मूविंग, और तो ऑटोमेशन का मतलब हो गया सेल्फ मूविंग या फिर स्वचालित, जो खुद से चले। तो ऑटोमेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें सिस्टम की एक ऐसी मैकेनिज्म है जो कि खुद से चलता है, ये कह सकते हैं कि ऑटोमेशन शब्द का ये अर्थ होता है। अब स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो ऑटोमेशन इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट रिजल्ट्स इन द ऑपरेशन ऑफ मशीन एंड सिस्टम विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इसका मतलब पहले समझिए स्टूडेंट्स, ऑटोमेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी का समुच्चय है, एक ऐसी टेक्नोलॉजीज का सेट है जिसमें जो कि मशीन के ऑपरेशन और सिस्टम, मशीन पे जो प्रोसेस हो रहा है या मशीनिंग हो रही है या सिस्टम में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो सारा का सारा विदाउट ह्यूमन के इंटरवेंशन, यानी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आदमियों के विदाउट, बिना आदमियों के ही ऑटोमेशन की सारी प्रणाली, सारी प्रक्रिया हो जाएगी मशीनिंग की। तो दैट इज द टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन, और साथ ही साथ इट अचीव्स द परफॉर्मेंस सुपीरियर टू मैनुअल ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले हमारे मैनुअल ऑपरेशन चलते थे, जो हाथों से मशीनों, हाथों से वर्कर काम करते थे, ऑटोमेटेड मशीन्स नहीं थी, तो वहां पे परफॉर्मेंस कम होती थी और ऑटोमेशन से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है मशीन की। तो इस तरीके से अगर इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजीज का, या एक कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजीज का एक समुच्चय है जिसमें मशीन और सिस्टम के जो भी ऑपरेशन है बिना आदमियों के इन्वॉल्वमेंट के वो प्रोसेस सारे हो जाते हैं, और साथ ही साथ इससे मैनुअल ऑपरेशन से ज्यादा इसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। तो बेसिकली ऑटोमेशन क्या करता है, इट इनकी इंटीग्रेशन, इट इंटीग्रेट द मशीन इनटू द सेल्फ गवर्निंग सिस्टम। मतलब जो पहले से मशीन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑटोमेशन क्या करता है उसमें ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगा देता है कि वो खुद से गवर्न करे, खुद से मूव होती रहे, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो, और इसको आप अपने लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स मैं गूगल क्लासरूम भी इसका बना रखा हूं, तो उसमें अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अगर आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आप गूगल क्लासरूम का कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके उसमें आप क्लासरूम ऐप होता है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहां ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आएगा, कोड डाल के आप ज्वाइन क्लास करेंगे तो वो सारे पीडीएफ मैं उसमें डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, यानी कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ऑटोमेशन सिस्टम में जो सारे काम होते हैं मशीन
या इक्विपमेंट में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ऑटोमेटेड मशीन टूल्स हो गए, जैसे कि आपके सीएनसी मशीन्स में लगे रहते हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइंस होती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को ले जाना, मूव करना है तो वहां पे ऑटोमेटेड ट्रांसफर लाइंस होती हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक कोई पार्ट पड़ाना है तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कई पार्टों से मिलके बनता है, तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं उसमें असेंबल करते हैं, तो असेंबली मशीन होती है वो ऑटोमेटिकली असेंबल करती है। जैसे गाड़ी ही है, कोई आपकी व्हीकल है, हैवी व्हीकल है या कोई कार है उसकी बात करें, तो उसमें क्या होगा कि कई पार्ट्स आके असेंबल होते हैं, तो सब पार्ट को असेंबली भी कैसे होती है, ऑटोमेटेड सिस्टम के द्वारा होती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। इंडस्ट्री में जो रोबोट होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, जैसे आपका रॉ मटेरियल आया, तो रॉ मटेरियल को आया उसको उस मटेरियल को हैंडल करना है, फिर उसके बाद जो पार्ट बन गया है उसको हैंडल करके आपको इन्वेंटरी में ले जाना है, तो इस तरीके से ये सारा का सीरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। तो वहां पे बेसिकली एजीवी लगे होते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स लगे होते हैं, जिसकी सहायता से मटेरियल का मूवमेंट होता है। जैसे मशीन पे पार्ट बना वो अनलोड होगा, वो उसमें ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल्स में जाएगा और गाइड व्हीकल्स की सहायता से फिर वो जहां पे उसका नेक्स्ट मूवमेंट होगा या दूसरी मशीन पे जाना मशीन होगा, तो उस तरीके से उसका मूवमेंट होगा अकॉर्डिंग टू द रूट सीट पूरी बनती है। उसके बाद ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, ये बेसिकली कंट्रोल करता है क्वालिटी को, तो क्वालिटी की चेक करते रहते हैं टाइम टाइम पे, वो ऑटोमेटिकली होता रहता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द ऑटोमेशन, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ऑटोमेशन के, तो वो हम देख लेते हैं। तो तीन एलिमेंट्स बेसिकली हमें जरूरत होती है। तीन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, नंबर वन इज पावर सोर्स, यानी कि किसी भी चीज को चलाने की के लिए शक्ति की जरूरत तो होती है, तो वो पावर सोर्स आपको पास होना चाहिए, पावर सोर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सोर्स जो आप सप्लाई देते हैं। उसके बाद दूसरा आपका है एलिमेंट ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटोमेटिक मशीन्स कौन कौन सी होती हैं, जो आपने मैंने अभी पीछे एग्जांपल्स भी दिए, ऑटोमेटिक मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपकी सीएनसी मशीन हो गई, कंट्रोल सिस्टम के लिए क्वालिटी चेक के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम हो गए, ये सारी चीजें, जैसे आपका असेंबली मशीन्स हो गई, असेंबली के लिए ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स होती हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं, तो जितने भी मैंने बताए हैं ऑटोमेटेड सिस्टम, ये सारे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हमें जरूरत होती है, ये एलिमेंट्स होते हैं ऑटोमेशन के। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट की कि अब नेक्स्ट क्या है आपका फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल क्या है, फीडबैक कंट्रोल में क्या क्या चीजें होती हैं, फीडबैक कंट्रोल में हम देख सकते हैं सेंसर्स लगे होते हैं, एनालाइजर लगा होता है, एक्चुएटर्स लगा होता है, ड्राइवर्स लगे होते हैं। अब सेंसर्स क्या करता है, सेंसर का काम क्या होता है, सेंस करना, जैसा कि आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक फ्लो डायग्राम से, ये आपका ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट है और सेंसिंग एलिमेंट्स है, तो बेसिकली ये जो आपका सिस्टम है वो सेंस, जो भी आपका आउटपुट आएगा उसको क्या कर देगा, ये सेंस करेगा कि आपका ये एक्यूरेट है कि नहीं है, तो ये बेसिकली कंट्रोलर का काम करता है ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी चेक का काम करता है सेंसिंग एलिमेंट। अब एनालाइजर की बात करते हैं, एनालाइजर क्या क्या चीजें होती है, कंप्यूटर हो गया, काउंटर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल एनकोडर्स हो गए, ये सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एनालाइजर होते हैं, जो कि जो भी डेटा आता है सेंसर से या फिर इनपुट का डेटा जो आता है वो कंट्रोलर में जाता है, और वो क्या करता है, कंट्रोलर में एनालाइजर लगा होता है और एनालाइज करता है कि वो किस टाइप का डेटा है, उसको रीड करता है, फिर उसके बाद रीड करने के बाद वो डेटा फिर आगे एक्चुएटर्स के पास भेजता है जो कि पूरे कंट्रोलर सिस्टम में लगा होता है। अब एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर एक सर्किट की तरह होते हैं, जैसे आपका सोलेनाइड हो गया, रिलेज हो गए, ये एक्चुएटर्स होते हैं, जो भी डेटा एनालाइज करता है सेंसर्स के एनालाइजर के द्वारा, फिर उसके बाद वो एक्चुएटर उसको रीड करके आगे की तरफ बढ़ाता है उस डेटा को, ताकि वो ड्राइव कर सके इलेक्ट्रिक मोटर, स्टेपर मोटर या ड्राइवर्स लगे होते हैं जिससे आपका मशीन टूल्स जो है रन करता है, जहां पे प्रोसेसिंग होती है। तो इस तरीके से ये सारा जो है कंट्रोलर और एक्चुएटिंग सिस्टम डिवाइसेस ये होते हैं, इसमें सारे ये पार्ट्स लगे होते हैं। तो यहां पे भी सेंसर लगा होता है, यहां पे
भी सेंसिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, तो ये कह सकते हैं इसमें पूरा, और ये आपका जो बना होता है ये एरर डिटेक्टर होता है, जैसे आपका इनपुट आया उसको ये आगे फर्दर प्रोसीड करेगा कंट्रोलर के पास, उसमें सारा चीजें डेटा को एनालाइज करेगा और एक्चुएट करके फिर आगे की तरफ ड्राइवर के पास भेजेगा ताकि प्रोसेसिंग हो सके, ड्राइवर प्रोसेसिंग के लिए भेजेगा। फिर उसके बाद वो आपका आउटपुट आएगा, आउटपुट आपका सेंसिंग एलिमेंट सेंस करेगा कि वो आपका सही है कि नहीं है, अगर कुछ एरर है तो यहाँ पे एरर रेक्टिफायर जो है एरर डिटेक्टर एरर को रेक्टिफाई करके फिर आगे भेजेगा। इस तरीके से आपका एलिमेंट्स ऑफ द ऑटोमेशन कंप्लीट होता है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ऑटोमेशन के, होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। अब आगे बात करते हैं डेवलपमेंट व ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरुआत हुई। जैसे आप देख सकते हैं 1400 से 1500 में क्या क्या चीजें बनी, तो सबसे पहले वाटर पावर, जो मेटल वर्क होता है कोई भी मेटल के वर्क के लिए वाटर का पावर जैसे हाइड्रोलिक पावर का यूज किया गया 1400 से 1500 के बीच में। फिर 1500 से 1600 के बीच में लेथ का खोज हुआ, लेथ मशीन का, और वो भी कैसी लेथ मशीन, सिर्फ लकड़ी को कट करने के लिए लेथ मशीन की खोज हुई या लेथ का खोज हुआ उसके बाद, या खराब का बोल सकते हैं उसको। फिर 1650 में से 1850 में क्या हुआ, लेथ मशीन का खोज हुआ, डेवलपमेंट हुआ उसका, ड्रिलिंग मिलिंग मशीन ताकि मेटल प्रोसेसिंग हो सके मशीनिंग प्रोसेस के लिए, ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद 1800 से 1850 में ऑटोमेटिक लूम बने, उसका डेवलपमेंट हुआ, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़ों की लूमिंग होती है ऑटोमेटिकली उसके लिए वो उसका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द रोबोट, रोबोट की डिस्कवरी कब हुई, 1925 में, 1850 के बाद रोबोट आ गया, ठीक है। फिर 1930 में स्टूडेंट्स ट्रांसमिशन मशीन, जैसे मास प्रोडक्शन होता है बहुत सारे पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको ट्रांसमिट करना होता है, एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो वहां पर ट्रांसमिशन लाइन्स लगी होती है, तो ट्रांसमिशन मशीन का खोज हुआ 1930 में। फिर उसके बाद स्टूडेंट 1940 आया, 1940 से 50 के बीच में ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, इन सब का प्रयोग हुआ या खोज हुई है कह सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिक कंट्रोल, जो मशीन टूल में यूज किया गया सीएनसी में, पहले तो एनसी में यूज किया गया, फिर उसके बाद सीएनसी में यूज किया गया, वो 1950 से 60 के बीच में पहली बार किया गया। फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता रहा, तो ये आपको फर्दर प्रोसीड याद कर सकते हैं। फिर 2000 के बाद सीआईएम और रोबोट मैन्युफैक्चरिंग के बाद फर्दर वो वन बाय वन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होते गए उसी, अब तो टोटली ऑटोमेटेड बेस हो गया है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में तीन टाइप के ऑटोमेशन हो सकते हैं। सब नंबर वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कुछ चीज फिक्स्ड है इसमें। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग होता है ये कह सकते हैं या असेंबली हो सकती है, वो सारे ऑपरेशन एक ही सीक्वेंस में फिक्स कर दिए जाते हैं। जैसे आपका कोई मटेरियल बनना है, ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, तो जैसे मशीन वन लगी, मशीन टू लगी, मशीन थ्री लगी है, तो कोई आपका मटेरियल आएगा रॉ मटेरियल, तो मशीन वन पे जाएगा, फिर टू पे जाएगा, थ्री, इस तरीके से सीक्वेंस पहले से फिक्स कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि मशीन वन से वो मशीन थ्री पे चला जाए फिर मशीन टू पे चला जाए, तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स सीक्वेंस हो तो लगा रहता है इसमें फिक्स ऑटोमेशन में। तो और ये सारा का सारा एक ही इक्विपमेंट में कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया जाता है, तो ये इस तरीके से इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी सच ऑपरेशन इनटू वन पीस ऑफ द इक्विपमेंट। तो एक ही इक्विपमेंट में सारी चीजें लगा दी जाती हैं, इसलिए सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है फिक्स्ड ऑटोमेशन का। अब इसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर द कस्टम इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए जो इसका शुरुआती खर्चा होता है, सबसे पहले जो मशीन खरीदनी पड़ती है वो सारी चीजें, शुरुआती खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। उसके बाद हाई प्रोडक्शन रेट, इसमें जो प्रोडक्शन रेट होता है यानी पर घंटे कितने पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसका रेट बहुत ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर टू ऑटोमेशन, क्योंकि यहाँ पे फिक्स ऑपरेशन है, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ बदलाव करना है, तो एक फिक्स सीक्वेंस लगा दिया, उस पर पार्ट आता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो हाई प्रोडक्शन रेट हो गया।
तो जैसे स्टूडेंट्स आपको चिप्स के पैकेट पैकेटिंग की बात कर लें, तो जिस चिप्स का पैकेट होता है उसकी पैकेजिंग होगी, तो एक फिक्स सीक्वेंस में है कि कैसे कैसे क्या होगा, वो सारी चीज़ें फिक्स सीक्वेंस में ही होती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वहाँ पे हाई प्रोडक्शन रेट होगा फिक्स ऑटोमेशन में, क्योंकि सिक्वेंस फिक्स होता है उसका। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसका फीचर कि रिलेटिवली इनफ्लेक्सीबल होता है, इन एकोमोडेटिंग द प्रोडक्ट रेंजेस चेंजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ड्रॉबैक है, इसकी कमी है कि यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। दैट मींस एक टाइप के ही प्रोडक्ट बनेंगे, अगर उसमें प्रोडक्ट में कुछ चेंज चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस फिक्स होता है स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है फिक्स्ड ऑटोमेशन में। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स, किसको इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मशीनिंग ट्रांसफर लाइंस जो होती हैं फिक्स ऑटोमेशन, क्योंकि उसका सीक्वेंस फिक्स है कि कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स जो होती हैं उसमें भी फिक्स सीक्वेंस लगा होता है कि एक पार्ट पहले आएगा। तो जैसे ट्रक की बात करें तो पहले चेसिस आएगा, कि पहले ड्राइवर की सीट ही आ जाएगी, तो पहले चेसिस आएगा। तो इस वजह से उसका सीक्वेंस एक फिक्स किया जाता है, तो उसको हम फिक्स्ड ऑटोमेशन बोलते हैं। उसकी भी हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कि फिक्स चाहिए, कि प्रोग्रामेबल चाहिए, कि फ्लेक्सीबल चाहिए। उसके हम बात करते हैं कुछ सर्टेन केमिकल प्रोसेसेस भी होते हैं, उसका सीक्वेंस फिक्स होता है कि पहले ये केमिकल मिलाना है, फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा। तो उस तरीके के ऑटोमेशन को हम क्या बोलते हैं, फिक्स ऑटोमेशन। दीज आर सम एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स, होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑटोमेशन की, जो कि आपका क्या है स्टूडेंट्स, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब जैसे कि आपने देखा उसमें स्टूडेंट की फिक्स ऑटोमेशन में एक सीक्वेंस फिक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, है यहाँ पे एक फ्लेक्सीबिलिटी मिलती है यहाँ पे, कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में चेंज द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन की कैपेबिलिटी होती है। मतलब सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को हम अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है स्टूडेंट्स, ये प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है। यहाँ पे प्रोग्राम डाले जाते हैं, तो अगर आपको प्रोग्राम सीक्वेंस मतलब प्रोडक्ट में कुछ चेंज चाहिए, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज चाहिए, तो आप उसमें प्रोग्रामिंग में चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। अब इसमें ऑपरेशन ऑफ सीक्वेंस को कौन कंट्रोल करता है, प्रोग्राम कंट्रोल करता है। वही जैसे मैंने बताया कि प्रोग्राम क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, कि एक इंस्ट्रक्शन दिया कि टूल पहले कहां जाएगा, पहले दूसरी बार कहां जाएगा, फिर उसका मूवमेंट कैसे कैसे होगा। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड के फॉर्म में होता है, पार्ट प्रोग्राम जिसे हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल हम कर सकते हैं कंट्रोलर के माध्यम से। इसलिए यहाँ पे ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का एक फीचर होता है, और इस वजह से हम अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन उसमें चेंज ला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू प्रोग्राम, अगर हमें चेंज या तो पुराने प्रोग्राम में चेंज कर दें, या कुछ नया प्रोग्राम भी बनाना है, तो नया प्रोग्राम बना के प्रिपेयर करके उसको एंटर कर सकते हैं, ताकि इक्विपमेंट में ताकि नया प्रोडक्ट मिल सकें। तो इस तरीके से यहाँ पे ये संभव होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के। जैसे वहाँ पर भी था, इसका हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद इसका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन। तो क्योंकि प्रोडक्शन रेट कम है, क्योंकि यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि सीक्वेंस में चेंज है, तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन रेट उसका लो होता है। अब इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द चेंजेस इन प्रोडक्ट कॉन्फिगरेशन, मतलब प्रोडक्ट के कॉन्फिगरेशन को चेंज करने के लिए फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन मैंने बताया था कि फिक्स्ड ऑटोमेशन में ये सुविधा नहीं होती है, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो इनफ्लेक्सिबल होता है। अब यहाँ पे मास प्रोडक्शन नहीं होगा, ये किसके लिए सुटेबल होता है, बैच प्रोडक्शन के लिए। कुछ कुछ बैचेस में प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 25 का लॉट है, या 50 का लॉट है, या 100 के लॉट में हम प्रोडक्ट को बनाते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि मास प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, ऐसा उसमें फिक्स ऑटोमेशन में होता है। क्योंकि हमें बीच में मान लीजिए कि कई प्रोडक्ट बना लिया और उसमें उसके बाद हमें कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो संभव नहीं होता, वो गलत हो जाता है, फिर वेस्टेज हो जाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल है न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल, इंडस्ट्रियल रोबोट्स, ये सारे क्या हैं, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होते हैं, एनसी मशीन टूल्स वगैरह।
अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की। तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का भी एक एक्सटेंशन होता है, जिसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इट हैज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, ठीक है। इसमें और साथ ही साथ इसमें नो टाइम लॉस फॉर चेंज ओवर्स, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाना है फिर दूसरा प्रोडक्ट किसी और टूल से बनाना है, तो जो टूल का चेंज होता है टूल के चेंज ओवर में कोई भी टाइम नहीं लगता है नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने में, तो इसलिए इसमें वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें साथ ही साथ देयर इज नो प्रोडक्शन टाइम लॉस, प्रोडक्शन में कोई टाइम लॉस नहीं होता है कि रिप्रोग्रामिंग करते समय हमें, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर हमें कुछ सेटअप करना है टूलिंग का, फिक्चर का, मशीन सेटिंग का, तो इसमें ये टाइम नहीं लगता, सब कुछ ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो बहुत ही वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट, अलग-अलग प्रकार के, विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसके फीचर्स, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें भी होता है। अब इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, बहुत मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट एक साथ बनते रहते हैं, यानी कि एक ही साथ में कई टाइप प्रकार के प्रोडक्ट बनते रहते हैं, ऐसा आपके प्रोग्रामेबल या फिर उसमें नहीं होता है। अब मीडियम प्रोडक्शन रेट, इसका प्रोडक्शन रेट मीडियम होता है, ना लो होता है ना हाई होता है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द प्रोडक्ट चेंजेस, इसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंज है तो उसको वो चेंज कर सकता है। ओके स्टूडेंट, तो होप आप लोग को ये तीनों टाइप ऑफ द ऑटोमेशन समझ में आ गया हो। अब हम जैसे मैंने बताया कि एनसी मशीन जो होती है, जैसे हम हमारा टॉपिक भी है, नेक्स्ट आपका टॉपिक भी होगा एनसी मशीन के इंट्रोडक्शन में, तो एनसी मशीन इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अगर मैं पहले एनसी मशीन पढ़ाता उसमें ये बोलता कि एनसी मशीन कैसे ऑटोमेशन है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, तो आपको समझ नहीं आता कि ऑटोमेशन प्रोग्रामेबल कौन सा है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था आपके लिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं तो एक चार्ट, एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं इन तीनों ऑटोमेशन को। तो यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ एक्स एक्सिस, देयर इज अ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है स्टूडेंट, प्रोडक्शन वॉल्यूम है, प्रोडक्शन वॉल्यूम मतलब प्रोडक्शन रेट है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट वेराइटी यानी फ्लेक्सीबिलिटी है कि कितने प्रकार के प्रोडक्ट वेरियस बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें मैनुअल मेथड में, तो मैनुअल मेथड में जो प्रोडक्शन होता था वहां पे प्रोडक्शन रेट भी लो होता था और साथ ही कम वैरायटी के प्रोडक्ट भी, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट भी कम बनते थे। तो इस तरीके से मैनुअल मेथड की ये वाला रीजन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फिक्स्ड ऑटोमेशन की। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन में मैंने बताया था कि प्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई होता है, तो प्रोडक्शन रेट देख सकते हैं यहां पे हाई है और जो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी है कम है, तो ये नीचे पे आता है, इसलिए यहां पे इसका ग्राफ आता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में प्रोडक्शन रेट तो लो होता है लेकिन वैरायटी बहुत ही ज्यादा होती है, तो वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यहाँ पे हो गया। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन बीच का होता है क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बीच में होता है और वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट भी मीडियम ही होता है। तो इस तरीके से हम इस ग्राफ के माध्यम से हम तीनों को रिलेट करके समझ सकते हैं। तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेशन की नीड क्यों पड़ी, ऑटोमेशन की आवश्यकता क्या है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है एक ही क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नीड ऑफ द ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या है, टाइप्स ऑफ द ऑटोमेशन को समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले नीड ऑफ द ऑटोमेशन, आप खुद से सोचिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ऑटोमेशन से, तो एक ऐसी इसकी पहली एक नीड है जो इसकी खासियत भी है या एडवांटेज भी है कि टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें ऑटोमेशन लाना पड़ेगा, यानी कि मैनुअल मेथड से जितने पार्ट प्रोड्यूस होते थे एक घंटे में, उससे ज्यादा पार्ट आप ऑटोमेटेड मशीन से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लेबर का जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा है। अब जो मैनुअल मेथड में लेबर लगते थे उसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा आता था खर्चा, तो इस वजह से क्योंकि बहुत सारे लेबर लगाने पड़ते थे, तो इस वजह से हमने ऑटोमेटिक मशीन ले आए और उसके बाद लेबर कम हो गए और एक या दो एम्प्लॉय रखने पड़े ऑटोमेटेड मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो कॉस्ट की वजह से हम ऑटोमेशन को ले आए हैं। फिर उसके बाद लेबर शॉर्टेज भी होती है, कंपनी में लेबर मिलते नहीं है, तो इस वजह से ऑटोमेशन की आवश्यकता है। उसके बाद ट्रेंड ऑफ द लेबर टुवर्ड द सर्विस सेक्टर, तो एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि लेबर जो है किधर जाने लगे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ, यानी सरकारी नौकरी की तरफ जाने लगे हैं, इस वजह से ऑटोमेशन की आवश्यकता है। उसके बाद सेफ्टी की बात करें, जैसे लेथ मशीन पहले जो होती थी खराब मशीन, उस पर खुले में आदमी काम करता था, बहुत ऑपरेशन, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते थे, लेकिन अब सीएनसी मशीन की बात करें तो वो पूरा का पूरा क्या होता है स्टूडेंट्स, कवर होता है, तो इस वजह से वहां पे एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो वहां पे
पे सेफ्टी अधिक है। अब हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स की बात करें अगर, तो रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है कई कई जगह, तो उस केस में अगर हम मैनुअल मेथड से बनाएंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होता है, लेकिन ऑटोमेटेड मशीन से बनाएंगे तो वेस्टेज कम होगा। तो वेस्टेज कम होगा इसका मतलब हमारा पैसा ज़्यादा जो वेस्ट होगा वो कम होगा, पैसा कम वेस्ट होगा, तो इस वजह से ऑटोमेशन की आवश्यकता है। फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है, आपको पता ही है, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम बढ़ जाता घट जाता है, प्रोसेस इन प्रोसेस इन्वेंट्री, यानी कि हम प्रोसेस के दौरान में ही इन्वेंट्री करते जाते हैं, यानी मटेरियल को स्टोर करते जाते हैं या प्रोडक्ट को स्टोर करते जाते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ें में रिडक्शन होता है इन प्रोसेस इन्वेंट्री में, क्योंकि हम जितना पार्ट की डिमांड आती है उतना ही हम उसको बनाते हैं, फिर साथ ही साथ डिलीवर करते रहते हैं, तो इन्वेंट्री का ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। इसलिए ये सारी आवश्यकताएं हैं ऑटोमेशन को लाने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ जो इसकी नीड थी उसको एडवांटेजेस में भी कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेटर इन द क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन है तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मशीन है तो वहाँ पे क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। फिर उसके बाद बेटर इन द एम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ये एम्प्लॉयमेंट पर लिखा जाता है कि एडवांटेजेस है, लेकिन कुछ हद तक ये इसका डिसएडवांटेज भी कहलाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद लेकिन एम्प्लॉयमेंट किसका होगा यहाँ पे, जो स्किल लेवर होगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, उसको नौकरी मिलेगी जिसके पास प्रोग्रामिंग आती हो, जिसको नॉलेज हो कंप्यूटर की, तो उस मशीन को चलाने की, तो वहाँ पे एडवांटेज है उसका। उसके बाद रिजेक्शन, रिडक्शन इन द रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन बहुत ही कम होता है, पार्ट बहुत ही कम वेस्ट होता है, स्क्रैप बहुत कम निकलता है, तो रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पार्ट बना रहे हैं मैनुअल मेथड से, उसमें कुछ क्वालिटी में बेकार आ गया, तो वो पार्ट जो है जिसको कंपनी के लिए हम बना रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा लॉट को, तो उस वजह से वहाँ पे बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो ऑटोमेटेड मशीन में रिजेक्शन के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। उसके बाद वर्किंग आवर रिड्यूस हो जाता है, कि जितने काम करने की जो घंटे होते हैं वो कम हो जाते हैं। रिडक्शन इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कम होते हैं। सोसाइटी में भी बेटर इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई ऑटोमेटेड मशीन से हर जगह इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जा रही है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज पॉसिबल, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पॉसिबल होता है। तो इस तरीके से दीज आर सम एडवांटेजेस। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑटोमेशन की। तो डिसएडवांटेज क्या है, रिडक्शन इन द स्किल ऑपरेटर। तो भाई स्किल ऑपरेटर जैसे बहुत ही कम होते हैं, लेबर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं लेकिन स्किल ऑपरेटर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जो ऑपरेटर आएगा भाई मशीन को चलाने के लिए, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको प्रोग्रामिंग सिखानी पड़ेगी, तो वहाँ पे ये कमी होती है। इस वजह से ये किसका डिसएडवांटेज है ऑटोमेशन का। उसके बाद भाई बेरोजगारी बढ़ती है इसकी वजह से, तो इंक्रीजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मशीन एक आ गए तो 10 लोगों का काम बंद हो गया, 10 लेबर को निकालना पड़ेगा। फिर स्किल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है वो तो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, तो शुरुआती खर्चा और उसका मेंटेनेंस, अगर मान लीजिए कोई ऑटोमेटेड मशीन खराब हो गई, कहीं बाहर से विदेशों से मशीनें आती हैं तो बहुत ही महंगी महंगी होती हैं, करोड़ में होती हैं, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेज अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस। तो होप आप लोग को ये समझ में आया हो। तो आज के वर्ड्स ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स में मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्टडी कुछ वर्ड्स मैं पर डे बताता हूँ। तो आज के जो दो वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, जोवियल और इमैकुलेट। तो जोवियल का मीनिंग होता है गुड नेचर या फिर अच्छे नेचर वाला। तो इसको याद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, जोवियल को रिलेट कर रहे हैं जो भी बिल, तो जो भी बिल आएगा वो कौन पे करेगा, दोस्त पे करेगा। तो दोस्त कैसे नेचर का, अच्छे नेचर का, तो जोवियल का मतलब हो गया गुड नेचर। फिर इमैकुलेट, इमैकुलेट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फ्लॉलेस या फिर त्रुटिहीन। इसको याद कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे आई एम कैलकुलेटिंग विद द कैलकुलेटर या फिर आई एम कैलकुलेटर से कैलकुलेटिंग। तो इसको इस तरीके से याद करेंगे, तो अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कोई कमी नहीं आएगी, त्रुटिहीन होगा, तो इमैकुलेट का मतलब हो जाएगा त्रुटिहीन। तो होप आप लोग को ये पसंद आया हो वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो कमेंट करके भी बताएं और साथ ही साथ गूगल क्लास में भी जुड़ जाएं, ताकि आपको आगे अपडेट्स मिलते रहें और फर्दर उसके लिए। और आप साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो अगर चाहिए तो फिर आगे मैं आगे आप लोगों के लिए और वीडियो पोस्ट करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।